हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जिस टॉपिक के बारे में बहुत लोग कह सकते हैं कि ये एक अंधविश्वास है या फिर विश्वास है। अब एक मान्यता है, कुछ लोग उस पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा कोई भी मकसद ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास फैलाना या कुछ भी करना। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर जब कुछ पड़ती है तो उस समय हमें जो कोई कुछ भी बताता है हम वही सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो मैं बात करने जा रही हूँ, बनारस में एक कुंड है, लोलारा कुंड। बहुत लोग हो सकता है वहाँ के बारे में जानते हों और बहुत लोग हो सकता है वहाँ के बारे में ना जानते हों, क्योंकि आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले मैं भी वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। बट जब अपने ऊपर आती है तो फिर ऐसी चीज़ें पता चल जाती हैं जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था। तो ये कुंड जो है, ऐसी इस कुंड की मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से हमें मतलब कि माँ बनने की खुशी प्राप्त होती है, या फिर बहुत लोग कहते हैं कि पुत्र प्राप्त होता है। तो देखिए, मैं पुत्र प्राप्त होता है या नहीं होता है मुझे इसका कुछ भी नहीं पता है, और बस मैंने ये सुना हुआ है कि वहाँ पे स्नान करने से, जो वाराणसी का लोलारा कुंड है वहाँ स्नान करने से हमें जो माँ बनने का सुख होता है, या फिर जो हम बहुत दिन से नहीं माँ बन पा रहे, बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, तो हमें उसका सुख प्राप्त होता है। और वहाँ पर स्नान करने से हम साल भर के अंदर माँ बन जाते हैं, ऐसी वहाँ की मान्यता है, ऐसा वहाँ के बारे में सुना गया है। तो मैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ, मेरा फेथ बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। मतलब भगवान है, सब कुछ है, कोई एक शक्ति है जिस पे हमें विश्वास करना चाहिए, और मैं भगवान पे पूरा विश्वास करती हूँ। बट हाँ, जब बात किसी ऐसी चीज़ पे आती है कि ये चीज़ करने से ये चीज़ हो जाएगा, ये चीज़ करने, ये पूजा पाठ करो ऐसा हो जाएगा, तो फिर वहाँ जाके थोड़ा सा मेरा मन थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं तो फिर मतलब कि तो फिर भगवान पे डाउट क्या करना कि अगर मैं भगवान के लिए अलग से कुछ करूँगी तो ऐसा कुछ होगा। बट कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, जब उसके ऊपर आती है तो वो हर चीज़ ट्राई करता है। तो आप लोग जो मेरे वीडियो पे पुराने जुड़े होंगे, मेरे सब्सक्राइबर, वो जान रहे होंगे कि मैं कंसीव करने के लिए कितने दिन से ट्राई कर रही थी। मेरी शादी को लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं और लगभग 2 साल के बाद मैंने मतलब कि कंसीव करने के लिए न जाने क्या क्या किया, वो कभी अलग वीडियो में बताऊंगी कि मैंने बहुत कुछ। ये तो मैं सिर्फ एक ऐसे चीज़ के बारे में बता रही हूँ, कुंड स्नान, ऐसे न जाने मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं जिसके बारे में अभी यहाँ बात करना नहीं सही है। लेकिन आज मैं अपना जो लोलारा कुंड में स्नान है वहाँ का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या आपको भी वहाँ पे स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वहाँ की जो मान्यता है उसे माननी चाहिए या फिर नहीं माननी चाहिए, तो मैं अपना बताती हूँ कि मैं वहाँ पे स्नान करने कैसे गई। और मैं अभी, मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मैंने पिछले साल ही वहाँ पे स्नान किया हुआ था, और बस पिछले साल ही वहाँ स्नान किया हुआ था। और जैसे कि वहाँ की मान्यता है कि वहाँ पे स्नान करने से आपके उस साल भर के अंदर वो जो माँ बनने का सुख होता है वो आपको मिलता है, और मैं आज बहुत ही कॉन्फिडेंट, मतलब कि बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, और भगवान का नाम लेते हुए ये कहूँगी कि हाँ, अभी शायद अभी साल भर पूरा नहीं हुआ है मुझे वहाँ स्नान किए, लेकिन हाँ, मुझे वो खुशी सुनने को मिली। अब वो किस वजह से मिली, ट्रीटमेंट की वजह से मिली, किस वजह से, भगवान का हाथ था, जिसका भी था, जो भी था। बट हाँ, उसमें एक काम ये भी हुआ था कि मैंने वहाँ पे स्नान किया हुआ था, लोलारा कुंड में, जो वाराणसी में कुंड है, मैंने वहाँ पे स्नान किया हुआ था। आज से मतलब कि पिछले साल से पहले भी मुझे कहा गया था वहाँ पे स्नान करने के लिए, बट मैं इन सब चीज़ों में, मैं सच बताऊंगी, मैं यहाँ पे कोई भी झूठ आप लोग के साथ कुछ भी शेयर करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस यहाँ अपने चैनल पे शेयर करती हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में झेला हुआ है, जो मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हूँ, मैं वही यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो एक, अरे, जो मैंने पिछले साल मतलब वहाँ पे स्नान किया था, उसके पहले भी मुझे कहा गया था वहाँ पे स्नान करने के लिए कि वहाँ पे स्नान किया जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, भगवान गोद भर देते हैं सब कुछ। बट मुझे विश्वास नहीं था, मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ एक भगवान को मानती हूँ कि एक शक्ति है, एक भगवान है, एक देवता है, एक कोई भी चीज़ जिसको भी हम मानते हैं, अल्लाह, देवता, भगवान, जो भी हैं, सिर्फ एक है, और वही सब कुछ कर रहा है, वही सृष्टि चला रहा, वही हमारे जीवन में सुख दुख सब कुछ ला रहा है। तो मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करती थी कि कहीं पर स्नान करने से कुछ हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा करने से हो जाएगा। बट वही है ना कि जब अपने ऊपर आती है, जब चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है, सब कुछ होता है, तो हमें हर चीज़ करनी पड़ती है। तो जो मैं पिछले साल भी स्नान करने गई थी, वो भी मैं सिर्फ अपनी
मतलब कि फैमिली के फोर्स की वजह से गई थी, मेरी ऐसी कोई भी इच्छा वहाँ पे जाने की नहीं थी। क्योंकि होता है ना कि हमें कोई चीज़ तब करनी चाहिए जब हमें उसके प्रति विश्वास हो, तब हम वो चीज़ अच्छे से करते हैं, विश्वास मतलब कि मन में एक आस्था लेके करते हैं कि नहीं ये चीज़ करने से ये चीज़ हमें मिलेगी। बट मेरे मन में तब भी, जब तक मैंने वहाँ पे स्नान मतलब नहीं कर लिया, तब तक मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। कि मुझे यही था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं पे स्नान करने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, बच्चा थोड़ी पैदा हो जाएगा, मैं वहाँ पे स्नान कर लूँगी तो बच्चा थोड़ी मुझे पैदा हो जाएगा। तो ये मेरी सोच थी, मैं सीरियसली बता रही हूँ आपको, बिल्कुल सच बता रही हूँ, मेरी यही सोच थी। बट होता है कुछ काम हमें फैमिली की खुशी के लिए भी करना पड़ता है, और होता है कि जब हम हर जगह से हार जाते हैं, डॉक्टर, दुआ, भगवान, सबके सामने हाथ जोड़ जोड़ के, मतलब सब हर जगह से हार जाते हैं, तो फिर होता है कि चलो अंत में ये भी करके देख ही लेते हैं। तो अंत में मैं प्रेशर में आके, या फिर मैं दुखी होके, या फिर मैं परेशान होके, मतलब हर चीज़ से एकदम हार के, फिर मैंने कहा कि चलो अब ये भी करके देख ही लेते हैं। अंत में मतलब बार बार घूम फिर के बात वहीं आई कि वहाँ नहाना चाहिए, वहाँ नहाना चाहिए, वहाँ एक बार नहाना चाहिए, मतलब घूम फिर के बात यही आती थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब इस साल, क्योंकि वहाँ पे जो स्नान होता है ना, वो तीज, जो ये तीज पड़ती है अभी, जो ये 30 तारीख को आने वाली है तीज, ऐसे ही हर साल मतलब जब तीज पड़ती है उसके तीसरे दिन कुछ छठी लगती है, वहाँ पे मेला लगता है, क्या होता है, तो उसी दिन वहाँ पे स्नान करना शुभ माना जाता है। मतलब उसी दिन ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे सूर्य जी की कोई कीड़ें ऐसी पड़ती हैं जिसमें ऐसी शक्ति होती है कि जो हमारे अंदर रोग विराग जो भी परेशानी होती है वो सब दूर हो जाती है, और भगवान हम जो उनसे मांगते हैं वो हमें मिलता है उस समय। तो ऐसे तो पिछले साल क्या कहते हैं कि जो पिछले साल की तीज पड़ी थी ना, तो मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने मुझे कहा कि इस बार की तीज के तीसरे दिन वहाँ पे नहाना ही नहाना है। मेरा सच बताऊँ तो बिल्कुल भी 1% भी इच्छा नहीं थी वहाँ जाने की, नहाने की, कुछ भी करने की। और मैं भगवान से उस समय भी यही मना रही थी कि भगवान प्लीज़ कोई ऐसी गुड न्यूज़ मुझे सुना दो कि मुझे वहाँ पे नहाने न जाना पड़े। एक तो ये था ना कि मैंने यूट्यूब पे वहाँ की वीडियोज़ देख ली थी, उस कुंड का मैंने फ़ोटो देख लिया था, वीडियो देख ली थी, और मुझे वो इतना डरावना लग रहा था, इतना डरावना लग रहा था, और मतलब मुझे लग रहा था कि मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो और बहुत ज़्यादा मुझे वो कुंड देख के डर लग रहा था, तो मैं ये सोच रही भगवान प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि मुझे वहाँ पे न जाना पड़े नहाने। बट सब कुछ तैयारी एकदम मेरी मदर ने एकदम प्रिपरेशन पूरी तैयार कर चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। हम उस समय मैं कानपुर रहती थी, कानपुर से मैं लखनऊ के लिए निकल भी दी थी कि हाँ मुझे तीज के तीसरे दिन, मतलब दूसरे दिन मुझे बनारस जाना है और तीसरे दिन वहाँ पे स्नान करना है। बट उस समय कोरोना काल चल रहा था और उस साल वहाँ पे मेला नहीं लगा था, तो और हर दिन तो स्नान वहाँ हो रहे थे, बट जो तीज का तीसरा दिन होता है उस दिन वहाँ पे स्नान नहीं हो रहा था। तो उस तरह तो वो दिन गया, मतलब वो प्लान कैंसिल हुआ कि अभी नहीं जाना है ये वो। तो मैं सच बताऊँ तो मैं खुश हो गई थी कि चलो हटो नहीं जाना है, क्योंकि होता है ना जब अंदर से विश्वास ही नहीं है तो हम वो काम कैसे कर लें। जब हम उस चीज़ में मेरा मन ही नहीं मान रहा है कि नहीं ऐसा हो सकता है, तो हम कैसे उसको कर लें, वो खुशी खुशी फिर नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी वो था कि अंत में मेरी मदर इन लॉ को कोई बताया कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ तीज के तीसरे दिन ही वहाँ आए, आप किसी भी अच्छे दिन जाके वहाँ पर स्नान कर सकते हैं, जैसे पूर्णिमा हो गया, कार्तिक पूर्णिमा, ये सब आते हैं। अभी जैसे ये छठी आई थी, कुछ आया था इसके पहले, अभी जो छठी पूजा हुई थी, क्या हुआ था, ऐसे किसी भी अच्छे दिन आप जाके वहां पे स्नान कर सकते हैं। तो फिर मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, बट कुछ पूर्णिमा टाइप का कुछ पड़ा हुआ था दिन वहां पे, एकादशी पूर्णिमा कुछ तो ऐसा था। और तो मेरी मदर इन लॉ ने फिर मतलब वही बात उठी कि नहीं वहाँ पे नहाना ही है, नहाना है ये वो। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने प्लान बनाया कि चलो, और मैं भी फिर हर चीज़ से हार चुकी थी, मेडिकल दवाई, भगवान के सामने हाथ जोड़ जोड़ के, मतलब मैं हर चीज़ से हार चुकी थी। तो फिर प्लान बना, मूड बना, मेरी सिस्टर बनारस में रहती हैं, तो मैं और ऐसी भी वहाँ की मान्यता है कि वहाँ पे मतलब कि पति पत्नी यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में नहाना चाहिए तो ज़्यादा फल मिलता है, ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ वहाँ पे गई और मैंने वहाँ पे स्नान किया, और वही है कि जो मेरी इच्छा थी मैंने वहाँ से, बस ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी ऐसी हैबिट है ना कि मैं जब किसी मंदिर या कहीं ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ मुझे अपनी इच्छा मांगनी होती है ना, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं अब भगवान से क्या कहूँ, क्या मांगूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान तो जान ही रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मैं किस लिए उसके उसके दरबार में आई हूँ, उसके मंदिर में आई हूँ, या फिर उसके इस पवित्र स्थान पे मैं किस लिए आई हूँ, वो तो जान ही रहा है। तो बस मैंने वहाँ पे डुबकी लगाई, और ऐसा है कि वहाँ पे शायद 4 डुबकी लगानी रहती है,
बट वो चार डुबकी लगाने में मेरी सांस ऊपर नीचे, क्योंकि मैं नहीं स्नान कर पाती हूँ, मैं नहीं ऐसे डुबकी लगा के पूरा मैं नहीं नहा पाती हूँ, तो मुझे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। बट मेरे लिए एक अच्छा चीज़ ये था कि मैं तीज के तीसरे दिन वहाँ नहीं गई थी, क्योंकि वहाँ पर उस दिन बहुत भीड़ होती है, क्योंकि वहाँ पर मेले लगते हैं। तो मैं जो गई थी वो बहुत खाली समय में गई थी वहाँ पर। उस समय मुश्किल से मुझे लेके सिर्फ दो या तीन औरतें लेडीज़ और थी नहाने वाली, बस। एकदम भी भीड़ नहीं थी, कोई भी भीड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए वो इजी हो गया था नहाना, क्योंकि मैं इतना मतलब कि थोड़ा सा इन सब मामलों में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, और मेरी सिस्टर थी, मतलब कि मेरे जीजा जी भी थे, मेरे हस्बैंड थे, सब कुछ थे। तो वहाँ पे चार डुबकी लगानी होती है, तो मैंने वो चार डुबकी लगाई और सिर्फ मैंने हाथ जोड़ के ही कहा कि भगवान बस अब आपके इस स्थान पे आए हैं तो यहाँ पे निराश मत करिएगा, बस जो खुशी मुझे चाहिए वो खुशी मुझे दे दीजिएगा। और यकीन मानिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, वहाँ पे नहाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा हल्का फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि चलो क्या पता इसके बाद, जैसे यहाँ की मान्यता है कि साल भर के अंदर हमारे गोद में बच्चा खेलता है, तो क्या पता साल भर के अंदर मेरे भी गोद में बच्चा खेले और मैं वहाँ पे लगूँ। मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट सा जनवरी उनवरी का मंथ था, क्या था, ऐसा ही कोई मंथ था, मैं उसी समय गई थी, कुछ था पूर्णिमा जो जनवरी उनवरी में एकादशी या पूर्णिमा कुछ भी पड़ता होगा, मैं उसी टाइम वहाँ पे गई थी, मुझे एग्जैक्ट मंथ नहीं याद है। और मैं वहाँ से आई तो मुश्किल से दो तीन महीने बाद ही, या मुश्किल से फोर मंथ मतलब बाद ही, चार महीने बाद ही मुझे अपनी खुशी सुनने को मिली। और शायद भगवान सब कुछ अच्छा रखेंगे तो शायद साल भर के अंदर ही मेरी गोद में मेरा बच्चा भी आ जाएगा। और तो फिर तो जाके मुझे ये विश्वास, देखिए कहीं ना कहीं तो ट्रीटमेंट भी काम आया, जैसा कि मैंने अपना बताया हुआ ट्रीटमेंट पूरी जर्नी आप लोग के साथ शेयर की हुई है, मैंने कौन कौन सी ट्रीटमेंट लिया, क्या लिया, और उसके बाद ही जनवरी के बाद ही मेरा वही ट्रीटमेंट भी मैंने स्टार्ट किया आशा आयुर्वेदा में, और वही मैं वहाँ पर स्नान भी वही की थी उसी समय। तो फिर ऐसा लगा कि चलो जो वो साल भर के अंदर ऐसा कहा जाता है कि हमारी गोद में बच्चा खेलता है, तो वो शायद वो पूरा हो जाएगा। और वो कहीं ना कहीं एक विश्वास जुड़ गया है कि नहीं, अगर कोई कुछ बताता है, कोई कुछ कहता है, तो अंत में हमें उसको ट्राई कर लेना चाहिए, क्या पता सब कुछ करने के बाद कहीं किस चीज़, कौन सी चीज़ हमारे साथ दे दे, हमारा भाग्य साथ दे दे, कहाँ नहीं पता होता है। तो अगर मैं बस ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि अगर आपका भी ऐसा कुछ है कि नहीं, आपको विश्वास नहीं है इन सब बातों पे, या फिर आप थोड़ा सा डाउट में हैं कि क्या हमें वहाँ नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि अगर आप सब कुछ करके हार चुके हैं, बस भगवान का नाम लीजिए और एक बार उस कुंड में स्नान करके देखिए भगवान मनोकामना कहाँ से सुन लेते हैं, किसकी कैसे विनती स्वीकार कर लेते हैं, ये किसी को नहीं पता होता है। और तो मैं यही कहूँगी कि अगर प्लीज़ आप वहाँ पे अगर जा सकें स्नान करने, ये जो लोलारा कुंड है, और तो वहाँ पे ज़रूर जाइए अगर आप भी काफ़ी ज़्यादा मेरी तरफ परेशान हो चुके हैं तो। और ये वाराणसी में है, देखिए मुझे एग्जैक्ट उसका लोकेशन नहीं पता कि ये कुंड कहाँ पे है, बस वाराणसी में है मुझे इतना पता है। और लोलारा कुंड वो देखने में थोड़ा सा, आप वीडियो उठे उसकी यूट्यूब पे देखेंगे, थोड़ा सा वो भयानक लगता है, थोड़ा सा डरावना, मतलब मुझे डर लगा था वो कुंड देख के कि यहाँ पे मैं कैसे स्नान करूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल, बस उसकी सीढ़ियाँ थोड़ी सी ऊंची हैं तो वो देख के थोड़ा सा डर फील होता है, बट आप धीरे धीरे उतरेंगे तो फिर वहाँ पे स्नान करने में फिर और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, स्नान जो उसकी मेन मान्यता है, जो महत्वपूर्ण दिन वहाँ पे होता है, वो तीज के यही जो तीसरा दिन आता है, जैसे इस बार 30 अगस्त को तीज है, तो मुझे लगता है कि 2 तारीख को वहाँ पे स्नान या मेला ऐसा कुछ होगा, और शायद 2 साल से बंद भी था तो इस बार शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा भीड़ हो, क्योंकि वहाँ की बहुत मान्यता है और लोग वहाँ पे जाते ही जाते हैं, जो जिनको मतलब कि ऐसा बच्चा चाहिए या फिर कुछ भी, जिनको लड़के चाहिए, बच्चा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो वहाँ पे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल नहीं, अगर आप उतनी भीड़ में नहीं जाना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसे किसी और अच्छे दिन भी जाके वहाँ पे नहा सकते हैं। क्योंकि मैं तीज के तीसरे दिन नहीं गई थी, मैंने आपको बताया जैसे मैं जनवरी उनवरी में कुछ पूर्णिमा एकादशी कुछ भी क्या था, मैं उस दिन गई थी वहाँ पे नहाने, और तब भी भगवान ने मेरी सुनी और मेरे मन में वहाँ के लिए एक आस्था और विश्वास जागा। और ऐसा है कि जब आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर आपको वहाँ पे जाना पड़ता है मुंडन कराने के लिए, तो भगवान वो दिन मुझे दिखाए कि मैं वहाँ पे जाऊँ दोबारा मुंडन अपने बच्चे जिसका भी कराने के लिए। और ऐसा है वहाँ पे और क्या विधि विधान है वो तो वहाँ पे आपको पंडित सब कुछ बता देते हैं, वहाँ पे बहुत लोग बैठते हैं। मैं अपना और एक एक्सपीरियंस वहाँ के जो पंडित और वो सब थे, मैं उनका भी शेयर करूँगी कभी कि मेरा एक्सपीरियंस वो कैसा था।
मैं अगर थोड़ा बहुत बताऊं तो मेरा वो उन लोग के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बट क्योंकि वो लोग टाइम टाइम पे बहुत वहाँ पे आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं हर एक पग पे, मतलब कि आप अभी आगे एक गेट में घुस नहीं रहे तब तक कि हाँ यहाँ पे पैसे चढ़ाइए, ये करिए, इतना पैसा दान करिए, तब डुबकी लगाने के भी पैसे लिए थे उन्होंने कि नहीं मैं आपको तभी डुबकी लगवाऊंगा जब आप मुझे इतना दान करेंगे। मतलब वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ख़राब था और मुझे नहीं लगता कि मंदिर के, मतलब किसी भी मंदिर के अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि भक्त तो सब एक बराबर होते हैं वहाँ पे। इस तरह का मुझे कल्चर नहीं अच्छा लगता है, लेकिन हुआ था उस समय, हमारी मजबूरी थी, हमें सब कुछ करना था। और ऐसा होता है, माना जाता है कि वहाँ पे कोई एक फल छोड़ा जाता है जिसे आप दोबारा नहीं खा सकते हैं जब तक आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो जाती, जब तक आप वहाँ पे दोबारा जाके अपना मुंडन नहीं करा सकते हैं तब तक वो फल नहीं खा सकते हैं। कोई भी एक फल आप छोड़ सकते हैं जो भी आपको नहीं पसंद हो या फिर जिस फल के बारे में आपको पता हो। तो मैंने क्या छोड़ा था मुझे इतना भी याद नहीं आ रहा, बट हाँ मैंने कुछ ऐसा छोड़ा था जिसका ये पेठा उठा बनता है, मैंने उसको छोड़ा हुआ था वहाँ पे। तो मैं अब पेठा उठा ये नहीं खाती हूँ जब तक अभी सब मेरा काम अच्छे से नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी, ये मेरा वहाँ लोलारा कुंड का एक्सपीरियंस था। तो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का अच्छा रहा, भगवान करें कि साल भर के अंदर जो वहाँ की मान्यता है वो मेरी अच्छे से पूरी हो जाए और मैं दोबारा वहाँ पे जाऊँ। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, और ये वीडियो बहुत मैंने लेट बनाया क्योंकि मैं इसके बारे में बनाना भी नहीं चाहती थी, मुझे डर लग रहा था कि लोग ये ना कहें कि एक अंधविश्वास है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ये गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। तो मैं इसलिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाना भी नहीं चाहती थी, बट मुझे लगा कि तीज आ रहा, और तीज के तीसरे दिन, मतलब वहाँ तीज के तीसरे दिन ही नहाया जाता है, मुझे लगा कि क्या पता अगर कोई मेरा वीडियो देख के, मेरा एक्सपीरियंस देख के, क्या पता कोई बहुत दिन से परेशान है तो वो जाके वहाँ पे स्नान कर ले, और क्या पता साल भर के अंदर उसको भी वो खुशी मिल जाए। तो इसलिए मैंने अपना ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया कि मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जाइए, स्नान करिए, भगवान का नाम लेके भगवान आपकी गोद जरूर भरेंगे। और ये बिल्कुल नहीं है कि आपको तीज के तीसरे दिन ही जाना, आप किसी भी अच्छे दिन आराम से जा सकते हैं, स्नान वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।